अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हो मोहम्मद औरंगज़ेब ब्लॉग। आज का इस ब्लॉग में एक लूप फाइल आया है और लूप फाइल जो है वो है जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से एक पाइप निकला है, ये यूज ही करते हैं इसको, एज ही करते हैं, यानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है और एबव ग्राउंड पाइपलाइन का एक लूप आया है। लूप किसको बोलते हैं कि जब भी हमारा फैब्रिकेशन कम्प्लीट हो जाता है, फैब्रिकेशन कम्प्लीट होने के बाद इरेक्शन करते हैं और इरेक्शन करने के बाद इसका MC होता है, जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूशन। अपना काम करने के बाद ये MC कराता है, यानी कि मैकेनिकल क्लियरेंस, और मैकेनिकल क्लियरेंस कराने के बाद ये हमको हैंड ओवर करता है, यानी कि क्वालिटी को। तो क्वालिटी को चेक करता है और जो चेक करता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं वॉक थ्रू। तो वॉक थ्रू क्या होता है, कैसे करते हैं, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये लाइन है, ये देखो, यहाँ लाइन भी देखो, ये लाइन है, 4 इंच का लाइन है और 4 इंच का लाइन पे हमको करना है, वॉक थ्रू करना है कि हमको मैच कराना है कि टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है या फिर टोटल नंबर ऑफ फिटिंग्स कितना लगा है या जो भी बाल्ब लगा है, बाल्ब का टैग नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, जॉइंट विजुअल बराबर है कि नहीं है, जॉइंट हुआ कि नहीं है, एनिटी क्लियरेंस करना है। तो उससे पहले हम वॉक थ्रू करते हैं कि पूरा जो लाइन है वो कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ तो देखने पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा जो क्वालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ को अगर वो आप समझ जाते हैं तो क्वालिटी का काम समझ जाइएगा। फील्ड वर्क जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि फील्ड वर्क क्या होता है। तो फील्ड वर्क में सबसे पहले ये एक लूप वाल बोलते हैं, इसको लूप वाल बोलते हैं या टेस्ट पैकेज बोलते हैं, लूप वाल बोलेंगे इसको, टेस्ट पैकेज बोलेंगे। ये रेडी होता है और ये है इस लाइन का लूप वाल। तो जैसे ये हो गया, पैकेज नंबर दिया हुआ है 310U27TP141, ये इसका नंबर है, इस पाइपलाइन का टेस्ट पैकेज यानी कि लूप नंबर है। तो लूप नंबर में सबसे पहला पेज रहता है टेस्ट पैकेज फ्लो चार्ट रहता है, जिस पे हमारा EPC कंपनी या फिर जो अपना PMC कंपनी हो गया उसका साइन होता है कि हाँ भाई ये रेडी हो गया है। यहाँ एग्जीक्यूशन का पूरा साइन है, ये जितना भी सिग्नेचर देख रहे हो वो सारा एग्जीक्यूशन का है, टेक्निकल एग्जीक्यूशन और PMC एग्जीक्यूशन का है। उसके बाद एक आता है, दूसरा पेज होता है, इसमें पैकेज कवर सीट होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना, कौन कौन सा पेपर लगा हुआ उसमें फ्लो चार्ट बना होता है, इसमें होता है कवर सीट बोलते हैं उसको, पैकेज कवर सीट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जैसे लिस्ट ऑफ ड्राइंग हो गया, तो लिस्ट ऑफ ड्राइंग देखो, फिर होता है लिस्ट ऑफ ड्राइंग में क्या क्या है, देखो ये दिया हुआ है कि हाँ ये लाइन नंबर का अपने डाला हुआ है, जैसे लाइन नंबर DC8003-3901 करके ये जो डाला हुआ है वो कौन कौन सा लाइन नंबर है, इसके अंदर कौन कौन सा आइसोमेट्रिक डाला हुआ है उसका डिटेल डाला हुआ है इसमें। उसके बाद आता है मैकेनिकल क्लियरेंस, ये जो एग्जीक्यूशन करवाता है, तो ये है इंपॉर्टेंट पेपर है। मैकेनिकल क्लियरेंस होने के बाद ही हमारे पास ये टेक्स्ट पेपर आता है, यानी कि लूप फाइल आता है, ये मैकेनिकल क्लियरेंस का पूरा है। उसके बाद आता है पंच लिस्ट आता है। पंच लिस्ट क्या होता है कि जैसे मैकेनिकल क्लियरेंस के दौरान हमें कुछ ऐसा पॉइंट मिला, यानी फैब्रिकेशन या पॉइंट, जैसे पेंटिंग नहीं किया जॉइंट पे, तो इसमें पंच लिस्ट डाल देगा कि पेंटिंग नहीं किया हुआ है, या फिर एलिवेशन नहीं किया हुआ है वो डाल देगा, नट बोल्ट नहीं डाला हुआ है तो वो इसमें डाल देगा। तो ये पंच लिस्ट होता है, पंच लिस्ट में पूरा मेंशन होता है, ये हो गया पंच लिस्ट हो गया, इसमें पेपर में आता है। उसके बाद आता है हाइड्रो टेस्ट रिपोर्ट, यानी कि जब ये हम इसको LHS निकल जाएगा, यानी कि वॉक थ्रू होने के बाद इसका LHS निकलेगा कि टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है, इस पर RT हुआ नहीं हुआ है, यानी LHS यानी कि लाइन हिस्ट्री सीट बोलते हैं उसको। तो लाइन हिस्ट्री सीट निकालने के बाद इस पर हाइड्रो टेस्ट होगा, तो हाइड्रो टेस्ट का प्रक्रिया होगा, तो उसके लिए इसमें उसका फॉर्मेट रहता है। इसलिए उसके बाद फिर आता है लाइन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जितना भी फाइल सारा इंपॉर्टेंट, लाइन शीट में मेंशन रहता है कि हाँ इसमें जो सर्विस क्या है, तो ये फायर वाटर का लाइन है, तो सर्विस क्या है, मीडियम वाटर है, इसमें मेंशन रहता है। इसका डिजाइन प्रेशर क्या है, 16.5 kg है, और इसका टेस्ट प्रेशर कितना होगा, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना में डेढ़ गुना कर देंगे, यानी 24.75 हो जाएगा, डेढ़ गुना करेंगे 16.5 को, तो यानी कि डेढ़ गुना कर देंगे तो उसको टेस्ट प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा रहता है PNID ड्राइंग रहता है। ये इसमें क्या होता है कि PNID में जो हमारा ये कौन सा कहाँ पे ये सेट हो रहा है, ये जो हमारा पाइपलाइन है ये कहाँ पे आ रहा है ड्राइंग के हिसाब से, यानी कि ये पूरे प्लांट में कहाँ पे बैठ रहा है, तो PNID नंबर होता है। तो PNID नंबर में यहाँ देखो लाल सी दिया हो रहता है कि ये जो लाइन है यहाँ पर आ रहा है हमारा, ये PNID नंबर हो गया। उसके बाद फिर हमारा हो गया ISO, ये हो गया हमारा ISO। तो हम इसमें दिखाएंगे आपको कि कहाँ से कहाँ लाइन क्या करना पड़ता है हमको। तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा, जैसे ये लाइन नंबर कितना है, FW3901601, ये हो गया मेरा लाइन नंबर। ये लाइन नंबर कहाँ पे है, ये लाइन नंबर हमारा आ रहा है यहाँ पर, ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से यहाँ से निकला
तो ये हमारा हो गया लाइन नंबर। लाइन नंबर के बाद देखो यहाँ से ये दिया हुआ है जॉइंट नंबर वन, वन जाने के बाद यहाँ पे टी दिया है, यानी कौन सा टी लगा है यहाँ पे, इक्वल टी लगा है, यानी कि चार इंच का ही ब्रांच निकल रहा है, इधर एक इधर जॉइंट है, ये टी लगा है। टी लगने के बाद डायरेक्ट चला गया है एक एस ओ एफ आ रहा है, यानी कि फ्लांच आ रहा है, फिर एल्बो, और एल्बो से फिर चला गया है ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड चला गया है, फिर वहाँ से एल्बो लग के नीचे डाउन हो गया है, और डाउन होने के बाद ये है आईसो में इतना ही है। ये टोटल इसमें कितना सीट है, वन ऑफ थ्री, इसमें टोटल तीन सीट है, ये वन सीट है, तीसरा सीट में दिया है जो ब्रांच जो निकला हमारा, ये जो ब्रांच निकला है ये वाला ब्रांच, ये ब्रांच जो निकला है ये ब्रांच, तो ये ब्रांच निकला है, तो ये ब्रांच कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ये ईस्ट से लेकर वेस्ट भी जा रहा है, ये वेस्ट, और फिर वहाँ से डाउन होकर के यहाँ पे एस ओ एफ निकला है। तो ये पूरा चेक करना पड़ता है हमें, और यही होता है काम, इसी को बोलते हैं वॉक थ्रू, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है या नंबर ऑफ फिटिंग्स कितना लगा है उसके हिसाब से हमको चेक करना पड़ता है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया है, और नंबर ऑफ जॉइंट्स मार्किंग करना पड़ता है यहाँ पर, जैसे कि जॉइंट नंबर टू, जॉइंट नंबर थ्री, जॉइंट नंबर फाइव सिक्स, इधर से होते हुए इधर सीधे चला गया, ये वाल्व लग रहा है तो इसका वाल्व का टैग चेक करना पड़ता है, टैग यहाँ पे टैग रहता है, ये टैग है देखो, ये टैग चेक करना पड़ता है, और इसमें मेंशन रहता है इसमें, उसके हिसाब से हमको मिलाना पड़ता है, तो ये टैग वगैरह पूरा चेक करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं वॉक थ्रू। तो ये है वॉक थ्रू, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो और कोशिश करूँगा दूसरा ब्लॉग में समझाने का।